हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल पे। आज हम जो वीडियो बनाएंगे इसमें दिखाएंगे पैनासोनिक इन्वर्टर एसी में टाइमर को कैसे ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। ये छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही बता देते हैं ये पैनासोनिक का इन्वर्टर टेक एसी है, ठीक है। तो देख ही पा रहे हैं मेरा एसी जो है वो अभी ऑफ स्टेट में है, इसका मतलब ऑफ दिखा रहा है। तो टाइमर कैसे ऑन करें और ऑफ़ करें हम दिखाते हैं। पहले तो आप एसी को चला लीजिए। ऑन हो गया आपके एसी, देखिए आपको मालूम है यहाँ से हिल ब्लैक डॉट हट के यहाँ पे कूल में चला गया, इसका मतलब आपका एसी चालू हो गया, ठीक है। आप टाइमर को कैसे ऑन करें, ये टाइमर ऑन एंड ऑफ का बटन है, आप सभी को मालूम है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं टाइमर को। टाइमर ऑन करने से यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा टाइम, ठीक है, चले जाएगा फिर से। देखो तो आपको करना क्या है, आपको टाइमर का बटन दबा के आपको टाइमर सेट करना है। रात के कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपका एसी को चलाना चाहते हैं, तो इसलिए टाइमर ऑन करके टाइम सेट कर लीजिए। चलिए टाइम सेट करते हैं हम। पहले तो ऑन कर लीजिए और यहाँ पर लिखा है टेम्प और टाइमर। देखिए टाइमर सेट हो रहा है, 10 सेकंड करके ऐड हो जाएगा। देखिए ये पीएम में चले आया। तो आप मान लीजिए आपका जो एसी है, आप चाहते हैं कि रात के 12 बजे से आपका एसी होना चालू हो जाए, तो 12 बजे का टाइम हम सेट कर रहे हैं। देखिए हम सेट कर रहे हैं 22, 23, ऐसे करके हम सेट कर रहे हैं। टाइम हो गया 12, पीछे कर लेते हैं एक बार और, हो जाओ 23 और ऑन मार 23, 24। देखिए सेट हो गया, रात के 12 बजे से लेकर आपका टाइमर स्टार्ट होगा। और कितने बजे तक आप टाइम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एसी कितना देर तक चले, तो ऑफ टाइम आप सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑफ टाइमर सेट करने से यहाँ पे जो ऑफ टाइमर का स्पेस है यहाँ पे दिखा रहा है, ये ऑफ टाइमर का देखिए ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। आप सेट करना चाहते हैं कि आपका एसी 3 बजे तक चले रात के, तो सेट कर लीजिए, ब्लिंक होने स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑफ वाला जो बटन है दोबारा से दबा दीजिए। देखिए ऑन टाइमर पे 12 बजे और ऑफ टाइमर पे 3 बजे, आप देख पा रहे हैं ना। हाँ फोकस कर लिया, आप देखिए ऑन टाइमर में 12 बजे और ऑफ टाइमर में 3 बजे हम सेट कर दिया है। इसका मतलब है आपका एसी में जो रेड लाइट है वो जलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका एसी ऑफ स्टेट में होता है लेकिन आपको एसी को इलेक्ट्रिक ऑन करके रखना होगा, 12 बजे में ऑटोमेटिकली आपका एसी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिमोट में ऐसे ही सेट करके दिया है टाइमर को। 12 से आप यहाँ पर जो टेम्परेचर रखना चाहेंगे वही टेम्परेचर होगा, फैन स्पीड वही होगा, एयर स्विंग वही होगा, सब सेम ही होगा, लेकिन आपका एसी चलेगा रात के 12 बजे से और ऑफ होगा 3 बजे में, ठीक है। तो टाइमर ऑन और ऑफ हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमर ऑफ कर दे, ठीक है, ये वाला जो बटन है इसमें दबाने से ऑफ नहीं होगा, आप सीधे टाइमर ऑफ में चले जाइए, ठीक है, ऑफ में चले जाइए। टाइमर आपका ऑफ क्लियर हो गया, ये जो ऑन है इसको दबा दीजिए, टाइमर क्लियर हो गया। देखिए आपका कोई भी टाइमर नहीं है, ऑन ऑफ कोई नहीं है, आपका जो अभी का जो टाइम है 7:32 वही टाइम दिखा रहा है, आपका मतलब है आपका टाइमर पूरा ऑफ हो गया, ठीक है। आपका एसी में जो रेड लाइट एलईडी लाइट है वो भी हट जाएगा। भूल करके कभी भी आपका टाइमर नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप रिसेट कर दीजिए, किसी पेन को इसमें अंदर पुट करके रिसेट कर दीजिए, रिमोट मत कीजिए, टाइमर ऑफ करने से ऑफ हो जाता है, ऐसे कीजिए हो जाएगा। उसके बाद आपका एसी ऑफ कर दीजिए, हो गया। तो आज का जो पैनासोनिक का जो टाइमर ऑन और ऑफ करने का जो फंक्शन था मैंने दिखा दिया, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएंगे उसमें हम दिखाएंगे इन्वर्टर पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का जो इंडोर वाला सिस्टम है उसको आप अपने हाथ से बिना पैसा खर्च करके कैसे आप इसको सर्विसिंग कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा, अपने हाथ से करिएगा,
किसी को ज़रूरत नहीं होगा, कोई भी टूल्स नहीं लगेगा, सिर्फ खोलना होगा, क्लियर करना होगा, हो जाएगा। ठीक है, हम उसी के बारे में वीडियो बनाएंगे, 10 से 15 मिनट लगेगा, हम छोटा करके दिखाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा अगला नया वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक।